देखो बातें आप रोज करते हो, मिलते हैं एक दूसरे से रोज, लेकिन रोज माता रानी से नहीं मिलते हैं। और आज इतना सुंदर दरबार सजाई, ये जगह आज से पहले इतनी सुंदर कभी नहीं लगी होगी, आज ही लगी है ना? आज क्यों लगी है सभी को पता है, माता रानी आई है। तो इनको ऐसी मत जाने देना कि आ गई भाई, लोग दूर दूर दर्शन करने जाते हैं माँ के, लेकिन आज हमारी किस्मत देखो कि माँ खुद पहाड़ों से चलकर हमारे बीच में आई है, तो इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या होगी। जगराता करवाना और जगराते में बैठना कोई आसान बात नहीं होती, अगर माँ की मर्जी ना हो तो पता नहीं ले जगराता तो बहुत बड़ी बात है, और माँ के दरबार में बैठना बहुत बड़ी बात होती है। आज माता रानी तुम्हें मौका दिया है कि आज मेरे भक्त आएंगे और मुझसे कुछ ना कुछ मांगेंगे, और मांगना ऐसे नहीं कि अपने मन मन में मांग लिया, आज माता रानी सामने है तो आमने सामने मुकाबला करके मांगना है कि माँ ये चीज मेरे को चाहिए। और कैसे मांगोगे सारे, कहते एक भक्त अपने घर पे जब माँ को बुलाने की कोशिश करता है, माँ का जगराता करवाने की बात करता है, तो सबसे पहले बात आती है तारीख की। किस चीज की बात आती है? तारीख की। तो आज जैसे एक भैया के घर पे जगराता हो रहा है, जगराते में इतनी सारी संगत आई है, तो जो जो बुलाना चाहते कि माँ एक बार तेरा जगराता हम भी करवाना चाहते हैं अपने घर में, तो सारे अरदास करना, पुकार लगाना माँ से, कहना सभी मिलकर के। जब उस भक्त ने अपने घर में माँ को बुलाया तो किस प्रकार स्वागत किया माँ का, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है हम उसे चाय नाश्ते को पूछते ना कि भैया क्या लोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे। अब जब माता रानी आई है तो इनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो सारे भक्त मिलकर के गाना मेरे साथ। उस भक्त ने माँ से क्या कहा सुनना ध्यान लगाकर। ओ मैया जी दे दो डेट, क्या दे दो, क्या दे दो? हाँ आप मेरी बातों का जवाब दे दिया करो, इंसानी में छुड़ैल नहीं हूँ, डरो मत मुझसे, हाँ है ना, मैं भी तो बातें कर सकती हूँ आपसे। आज माता रानी से बात करने का मौका मिला है तो इस मौके को ऐसे मत जाने दो, मौके पे चौका कैसे लगता है सभी को पता होगा, तो सारे मिलकर के मेरे साथ गाओ। क्या मांगा भक्त ने मैया से कि माँ हो मैया जी दे दो डेट और मैं उस दिन खुला रखूंगा। जिनके घर पे जगराता है उनके घर का गेट सुबह से खुला होगा, कोई भी आओ कोई भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आज उनसे मतलब है कि आएंगी या नहीं आएंगी। और आज माता रानी आई है, खुशी है, देख रहे हो शेर पे बैठी मैया सुंदर लग रही है, तो ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अगर इतनी सुंदर लग रही तो इतने हाथ उठाओ, अगर इतनी लग रही तो एक बार इतने हाथ उठाओ, बताओ पीछे से, ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि चूहे से हाथ उठाता है लोग जन्म में कछुआ बन जाता है। अगर डर है इतना साबित तो ऊंची ऊंची हाथ और एक बार हम सबकी माँ के लिए जोरदार ताली लगाओ। देखो अभी थोड़ी सी कमी है, अगर संगत के हिसाब से ये जोर है तो सच में जी मेरे घर।
पीछे वालों आप खाना नहीं खा के आए हो, झूठ मत बोलो, दरबार बैठे हो, अगर झूठ बोलोगे तो पाप लग जाएगा भाई, सच्ची सच्ची बताना। और खा के आए हो और माँ को बुलाने के लिए आए हो तो जोर से गाओ सारे, भैया जी मेरे घर आओगी, भैया जी मेरे। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, कहते नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष है ना, क्योंकि कहते आप कौन हो माँ की कोयल और ये कौन है माँ के कौवा। देखो खुद अपने मुंह से कह रहे कौवा, आप कौवे हो नहीं हो ना माँ की कौन हो हा? शेर, शेर हो, ये भैया कह रहे हम शेर हैं, अगर आप शेर हो तो आपकी पूंछ कहाँ है बता दो हमें, नहीं है ना, तो हम हैं माँ के लाल और ये हैं लाली, तू ऊंची ऊंची हाथ और माँ के लाल, अगर शेर शेर जंगल में एक ही काफी होता है, यहाँ इतने सारे हो तुम है ना, तो काफी लगना चाहिए कि पूरी सोसाइटी में आवाज हो जाएगी, हाँ भाई आज जगराता हो रहा है, माता रानी का भक्त मेहनत कर रहे माँ को बुलाने के लिए, तो हाथ ऊंचे और दोनों हाथों की ताली सारे, वन टू थ्री, गाड़ी बंगला ये तो अपने आप ही आ जाएंगी है ना, जब आशीर्वाद होगा ये सब तो हम खुद कर लेंगे, इतना तो भरोसा होगा खुद पे कि जब आशीर्वाद मांगा होगा तो हम सब कर लेंगे, है नहीं भरोसा, तो आशीर्वाद भी ऐसे ठाली बैठ के नहीं मिलता है, तो याद दोनों हाथों की ताली में अगर सारे मेरे साथ मिलकर के कहते माँ मैया जी मेरे घर आवाज में, अब आकर पहले नहीं लग रही थी, पहले तुम सारे बातों में लग रहे थे, रोज बातें नहीं करते हो अंकल जी, रोज करते हो ना, रोज थोड़ी ना मिल रहा है माता रानी के दरबार में बैठना, हाँ मैं आप वो अच्छे से समझ रहे हैं, मैं उनको इतनी इसलिए समझा रही हूँ इतना है ना, क्योंकि मैं जब आई हूँ खड़े हुई हूँ दरबार में तो फिर जागरण का मतलब ये नहीं होता कि तुम आओ बैठो बैठ कर प्रसाद लेकर चले जाओ, नहीं, जागरण का मतलब ये होता है कि जब तुम आए हो तो कुछ ना कुछ पाकर जाओ, पाने का मतलब ये नहीं कि धन दौलत पर गाड़ी बंगला सब कुछ, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में जो आजकल इस दुनिया में दिख नहीं रही हैं, दूर से दूर तक नहीं दिख रही हैं, कहती है दुनिया जो देती है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है, अगर इतनी सी चीज़ देगी ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब है, लेकिन ये एक दरबार ऐसा है जहाँ बिना मतलब के मिलता है, ये माँ अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहती, सिर्फ एक भाव चाहती है, कहते हम माँ को 56 भोग लगाएं, अगर 56 भोग में भाव ना हो तो वो 56 भोग बेकार है, किसी काम का नहीं है, तो बस एक ही चाहती है कि बस भाव से बुलाएं मेरे बच्चे तो मैं दूरी जज आऊंगी, तो आओ जैसे मैंने पहले बताया, कहते मतलब कि भरी इस दुनिया में यहाँ कौन किसी का होता है, यहाँ दगा भी वो ही करता है जो खुद का सगा होता है, उस समय कौन याद आता है, अपने माता पिता या ये दरबार, इनके अलावा कोई याद नहीं आता, अगर हम किसी को अपने दिल की बात बताएंगे तो वो समझेगा नहीं, वो उसका हाँ हूँ मैं तो जवाब देगा लेकिन उसकी पूरी फीलिंग
नहीं समझ पाएगा, लेकिन एक माता पिता और ये दरबार ऐसा है, अगर हम इनको ना भी बताएंगे तो ये हमारे दिल की बात अपने आप समझ जाते हैं। तो आज माता रानी तो सुंदर लग रही है, अब तारीफ में भी तो कुछ हो जाना चाहिए, नहीं है ना, होना चाहिए। आई तो एक भजन बड़ा ही सुंदर सा माँ की तारीफ के लिए। आई सुनी, तो हम जैसे भक्त माँ के लिए बड़ी सुंदर सी बात कह रहे हैं कि माँ बैठे हैं। एक बार उठा लो बिल्कुल सर से ऊंचे हाथ और दोनों हाथों की ताली बजाकर कह दो मैया सी की माँ आज देख तेरा दरबार दीवाने हो गए, आज देख तेरा दरबार दीवाने हो गए। क्या खूब है आज सजाया, क्या खूब है आज सजाया, मिलकर दरबार लगाया, मिलकर दरबार लगाया, आज देख तेरा दरबार दीवाने हो गए, आज देख तेरा दरबार। लग रही है लेकिन आप भी तो गाओ ना, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी तभी गाओगे, नहीं है ना, सारे मिलकर के चाहे इतनी दूर बैठो चाहे उतनी दूर बैठो, गाना सभी को पड़ेगा भैया, अगर सभी को लेना है। ये मत सोचो कि वो जो आगे गा रहे हैं उनके गाने से हमारा भला हो जाएगा, नहीं, मैं जो यहाँ करके जाऊंगी माँ मेरा भला करेंगी और जो तुम यहाँ बैठ कर करोगे माँ तुम्हारा भला, कोई किसी के नसीब का नहीं लेकर के जाएगा, क्योंकि हम जैसे भक्त ना लाखों नहीं करोड़ों नहीं पता नहीं कितने, कोई गिनती नहीं है, पता ही नहीं कितने, क्या पता किस समय माँ किसकी सुन ले। तो सारे एक अरदास लेकर के बैठो और सारे गाओ के ना, माँ आज देख तेरा दरबार दीवाने हो गए, आज देख तेरा सिंगार माँ दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। देखो सुर आया ना, कभी गाया इतने सुर से गाना, कोई नहीं गाया ना, आज ही गा रहे हो ना, किसकी कृपा है, अगर इनकी कृपा हो तो यहाँ से वहां पहुंच सकता है इंसान, है ना, समझ रहे हो। तो एक बार हाथ उठाकर और दोनों हाथों की ताली बजाकर सारे आज देख तेरा श्रृंगार दीवानी हो गए, आज देख तेरा श्रृंगार दीवानी हो गई, जय हो।
है इस भजन का लास्ट बोला, इसलिए उठाना बिल्कुल सर से ऊंचे हाथ और दोनों हाथों की ताली, अगर सारे पुकार लगाना और गाना मेरे साथ, कहना मैया अजय दे कि तेरा